नमस्कार स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम आरडी शर्मा से एक्सरसाइज 19.11 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10^3x sec स्क्वायर x इनटू dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे। यहां मैं 10x को t कंसिडर करूंगा। 10x को t कंसिडर क्यों किया? क्योंकि 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। तो लेट 10x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब 10x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू टी का dt अपॉन dx। dx को इस साइड शिफ्ट कर दो तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि sec स्क्वायर x dx किस में चला गया? आपका dt में चला गया। तो मेरे पास आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने t लिया तो हो जाएगा t^3 और यह आ जाएगा dt में, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं x^n से। तो i इज इक्वल टू x^n से इसका इंटीग्रेशन होगा t^4 अपॉन 4 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो i इज इक्वल टू t क्या है? 10x, तो ये आ जाएगा 10x^4 अपॉन में 4 प्लस c। ये इसका आंसर आता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec^4x इंटू dx। अब देखो अगर मैं इसको t लेट कर लेता हूं 10x को, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x, लेकिन यहां क्या दे रखा है? sec^4x, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec^4x को लिख दूंगा मैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब मैं 10x को t ले सकता हूं, लेकिन उससे पहले देखो ये जो आपका sec स्क्वायर x है ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा, तो इसको भी मैं 10 में चेंज कर सकता हूं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x एज इट इज sec स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं 1 + tan^2x और इनटू में sec स्क्वायर x dx। अब हम आराम से 10x को t कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट 10x इज इक्वल टू t, और अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t और 1 + t^2 ये आपका dt में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, i इज इक्वल टू t इंटू 1t हो गया प्लस t इंटू t^2 t^3 इंटू dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो i इज इक्वल टू t का इंटीग्रेशन t^2 प्लस t^3 का t^4 अपॉन 4 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t किसको लिया था हमने? 10x को लिया था, तो आ जाएगा 10^2 प्लस 10^4x अपॉन 4 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 10^5x sec^4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखो आप कैसे करेंगे। यहां मैं sec^4x को चेंज कर लेता हूं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10^5x sec^4x को लिख दूंगा मैं sec^2x इनटू sec^2x dx। अब एक sec^2x को 10 में चेंज कर लेते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10^5x, इसको हम लिख देंगे 1 + tan^2x और इनटू में है sec^2x dx। अब हम 10x को t कंसिडर कर लेंगे। सो लेट 10x इज इक्वल टू t और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे
तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा t की पावर 5 इंटू 1 प्लस t स्क्वायर और आगे वाला आ जाएगा dt. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो I इज इक्वल टू t की पावर 5 इंटू 1 t की पावर 5 प्लस t की पावर 5 इंटू t स्क्वायर t की पावर 7 और इंटू में dt. अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लेंगे x की पावर n से तो I इज इक्वल टू आ जाएगा t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस t की पावर 8 अपॉन 8 और प्लस में c. अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए. t किसको लिया हमने tan x को लिया तो हो जाएगा tan x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस tan x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c. ये इसका आंसर आ गया. क्लियर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं. इसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 6x tan x dx. अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे. यहां मैं sec की पावर 6x को चेंज करता हूं. देखो किस तरीके से चेंज करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 6x को लिखूंगा मैं sec की पावर 5x इंटू sec x tan x dx. अब हमें क्या करना है sec x को t कंसिडर करना है और sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x और tan x. सो लेट sec x इज इक्वल टू t. x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा sec x tan x dx इज इक्वल टू dt. तो इतना पोर्शन आपका dt में आ गया. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 5x दैट इज t की पावर 5 और ये पोर्शन आ जाएगा आपका dt में. ठीक है. अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए तो I इज इक्वल टू x की पावर n से t की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c. अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो I इज इक्वल टू sec की पावर 6x अपॉन 6 प्लस c. ये इसका आंसर आ गया. ठीक है जी. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं. 5 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan द पावर 5x dx. अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे. सबसे पहले हम tan द पावर 5x को चेंज करेंगे. तो देखो किस तरीके से इसको चेंज करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ इसको मैं लिखूंगा tan स्क्वायर x tan द पावर 3x dx. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या करना है इस tan स्क्वायर x को चेंज करना है. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इनटू में tan द पावर 3x dx. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाएगा sec स्क्वायर x इनटू tan द पावर 3x और इसको अलग अलग भी कर दो dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan द पावर 3x dx. अब नेक्स्ट आपकी वर्किंग स्टेप क्या है. इस tan द पावर 3x को भी हम चेंज करेंगे. इसको आप कॉपी कर दो तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan द पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसको मैं लिखूंगा tan स्क्वायर x इनटू tan x dx. ठीक है. अब tan स्क्वायर x को भी आप फिर से चेंज करेंगे तो इसको कॉपी कर दो. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan द पावर 3x dx माइनस इसको हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और इनटू में tan x dx. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पीछे वाले को कॉपी कर दो. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan द पावर 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट भी कर लीजिए मल्टीप्लाई करने के बाद sec स्क्वायर x tan x dx माइनस इनटू माइनस ही हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. अब ध्यान से देखो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करना है. मान लो मैंने tan x को t लिया तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt. तो sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा dt में. तो
तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर 3। तो एक्स की पावर एन से इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देंगे 10 की पावर 4x अपॉन 4, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आगे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर 10x को t मान लू तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा t dt, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2, दैट मींस 10 स्क्वायर x बाय 2, और प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा log of sec x और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x sec द पावर 4x इनटू dx। देखो इसमें सबसे पहले हम sec द पावर 4x को चेंज करते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x sec द पावर 4x को लिखेंगे sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में dx। अब मैं क्या करता हूं, एक ही sec स्क्वायर x को चेंज फिर से कर लेता हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 10x और इसको मैं चेंज कर लेता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर x इनटू dx। अब हमें क्या करना है, 10x को t कंसीडर कर लेना है, लेट 10x इज इक्वल टू t और दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, जिसका डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट टी को लिखेंगे t की पावर 1/2 और 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 इंटू 1 t की पावर 1/2 फिर प्लस t की पावर 1/2 इंटू टी स्क्वायर, तो हो जाएगा t की पावर 5/2 और इंटू में dt। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन से, एक्स की पावर एन से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 3/2 और 2/3 प्लस इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 7/2 और 2/7 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 टी है आपका 10x इसकी पावर 3/2 प्लस 2/7 10x की पावर 7/2 प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है श्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को लेते हैं। देखो 7 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर 4 2x इनटू dx। सबसे पहले तो हम इसकी पावर को चेंज करते हैं, फिर इसको मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x इंटू sec स्क्वायर 2x इंटू dx। अब एक sec स्क्वायर 2x को फिर से चेंज कर लीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, ये मैंने एक sec स्क्वायर 2x को चेंज किया और मल्टीप्लाई में है sec स्क्वायर 2x इंटू dx। अब मैं 10 2x को t कंसीडर कर लेता हूं, लेट 10 2x इज इक्वल टू t और दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 sec स्क्वायर 2x dx इज इक्वल टू dt। अब 2 को यहां से हटा देंगे और इसके डिवाइड में ले आएंगे, तो इतने पोर्शन को हम dt by 2 लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर और dt by 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, देखो 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा t, तो हो जाएगा t मल्टीप्लाई में 1/2 है तो t by 2 प्लस 1/2 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस में c, ठीक है। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू t किसको लिया हमने 10 2x को, तो 10 2x अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया,
टेन टू एक्स की पावर 3 और प्लस में c, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। 8 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर 4 3x इनटू dx। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हम कोसेक की पावर 4 को चेंज कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर 4 को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 3x इनटू कोसेक स्क्वायर 3x dx। अब एक कोसेक स्क्वायर को फिर से चेंज कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर 3x और इनटू में कोसेक स्क्वायर 3x dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोट 3x को t कंसीडर कर लेते हैं। लेट कोट 3x इज इक्वल टू t और दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 3x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। dx इस साइड ले आओ, माइनस 3 को इस साइड ले आओ, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 3x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 3। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर dt अपॉन माइनस 3, तो माइनस 3 को बाहर रख लेते हैं, ठीक है। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस t स्क्वायर का t की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, t की वैल्यू पुट कर देता हूं, t किसको लिया, cot 3x को, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा कोट 3x अपॉन में माइनस 3, माइनस इनटू प्लस माइनस हो गया और ये हो जाएगा कोट की पावर 3 3x अपॉन 3 जा 9 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। 9 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर nx cosec स्क्वायर x dx, तो इसमें तो मैं डायरेक्ट कोट x को t कंसीडर कर लेता हूं, तो लेट कोट x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को इस साइड शिफ्ट कर दो, माइनस को इस साइड, तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो i इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n, माइनस को बाहर लिख देंगे, इनटू में dt। अब इसका x की पावर n से इंटीग्रेशन कर दीजिए, i इज इक्वल टू माइनस x की पावर n से t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, t किसको लिया, cot x को, तो हो जाएगा cot x की पावर n प्लस 1 और प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। 10 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 5x कोसेक की पावर 4x dx, तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम कोसेक की पावर 4 को चेंज करते हैं, सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 5x कोसेक की पावर 4 को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x इनटू कोसेक स्क्वायर x इनटू dx। अब एक कोसेक स्क्वायर x को फिर से चेंज कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 5x कोसेक स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर x इनटू कोसेक स्क्वायर x dx, ओके। अब मैं कोट x को t ले लेता हूं, लेट कोट x इज इक्वल टू t और इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx को इस साइड ले आओ, माइनस को इस साइड, ठीक है ना, तो आ जाएगा माइनस dt।
अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 इंटू में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी, माइनस को बाहर ले लो, इंटू में डी टी। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 इंटू 1 t की पावर 5 प्लस t की पावर 5 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा t की पावर 7 और इंटू में डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए x की पावर n से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 5 का t की पावर 6 अपॉन 6 माइनस इंटू प्लस माइनस t की पावर 7 का इंटीग्रेशन t की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, t किसको लिया था, कोट x को, तो यह आ जाएगा कोट x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 8 और कोट x की पावर 8 और प्लस में c, ये इसका आंसर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। देखो 11 में आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 5x इनटू dx, तो इसकी पावर को भी हम चेंज करेंगे। देखो किस तरीके से चेंज करना है, कोट की पावर 2 x इनटू कोट की पावर 3x dx। अब हमें क्या करना है, कोट स्क्वायर x को चेंज करना है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में कोट क्यूब x dx। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इंटू में कोट की पावर 3x, अलग अलग भी कर दो, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 3x इंटू dx। अब इसको भी चेंज कर देता हूं पावर को, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कोट स्क्वायर x इंटू कोट x dx, ठीक है। अब फिर से देखो इस कोट स्क्वायर x को फिर से चेंज करता हूं, इसको कॉपी कर दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x कोट की पावर 3x dx माइनस, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कोट x dx। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले को फिर से कॉपी कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x कोट की पावर 3x dx माइनस, और अलग अलग भी कर दो मल्टीप्लाई करने के साथ, कोसेक स्क्वायर x कोट x और dx माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये हो गया कोट x इंटू dx। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसमें कोट x को t मान लेता हूं, देखो यहां कोट x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, माइनस को इस साइड लगा देता हूं तो कोसेक स्क्वायर x dx किस में चला गया, माइनस dt में, यह क्या हो गया t की पावर 3, t की पावर 3 का अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता हूं, क्या होगा t की पावर 4 बाई 4, t किसको लिया कोट x को, तो यह आ जाएगा माइनस कोट x की पावर 4 अपॉन में 4, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो कि मैंने कोट x को t लिया तो इसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt आता, तो ये तो चला गया आपका माइनस dt में, तो माइनस माइनस ये तो जाएगा प्लस, यहां बच गया t, t का इंटीग्रेशन क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2, t किसको लिया कोट x को, तो कोट x का होल स्क्वायर बाई 2, और कोट x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन x प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 6x इनटू dx, तो सबसे पहले तो हम इसकी पावर को चेंज कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसकी पावर को हम लिखेंगे कोट की पावर 4x इनटू कोट स्क्वायर x इनटू dx,
ठीक है। अब फिर से मैं क्या करता हूं, कोट स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेता हूं, तो आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 4x, कोट स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और इनटू में डीएक्स। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट की पावर 4x इनटू कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, अलग अलग भी कर रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 4x डीएक्स। अब कोट की पावर 4x को फिर से चेंज कर लेता हूं, इसको मैं लिख दूंगा कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब एक कोट स्क्वायर एक्स को फिर से चेंज करूंगा, पीछे वाले को कॉपी कर दो, तो आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 4x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और इंटू में कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कॉपी कर दो, आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 4x कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, मल्टीप्लाई भी करूंगा इसको अलग अलग भी कर देता हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस इनटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इस कोट स्क्वायर एक्स को फिर से चेंज कर देता हूं मैं किसमें, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और इंटू में डीएक्स। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, देखो कैसे करना है, पहले इसको कर ले लेते हैं, यहां मैं कोट एक्स को टी मान लू तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इजिकल टू क्या होता है डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इस साइड ले आऊंगा, माइनस को इस साइड तो माइनस का डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता आई इजिकल टू टी की पावर फोर माइनस डी टी, माइनस को बाहर ले लो, ठीक है, एक्स की पावर एन से इसका इंटीग्रेशन हो जाता टी की पावर फाइव अपॉन फाइव, टी की वैल्यू पुट कर दू तो इसका अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देता हूं, आई इजिकल टू कोट की पावर 5x अपॉन 5, वो भी किसका, माइनस का, ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कोट x को t लेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx, जिसके इक्वल माइनस dt लिख देंगे, यह हो जाएगा t स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब अपॉन 3, t किसको लिया हमने कोट x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कोट की पावर 3x अपॉन 3, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोट एक्स और माइनस वन का माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 19.11 कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।